दिक्कत तो सारी यही है। तो घुमाना मत सिखाओ, आराम से रहता हूँ। तुझे आता है मुझे पता है। मेरे को घुमाना नहीं आता, आता है जिसको घुमाना आता है, घुमाता हूँ और घुमाने के टाइम घुमाया है। तेरे साथ नहीं सोची थी वो चीजें हुई है ना। नॉमिनेशन में क्या बचाया तूने? तुझे पता था नॉमिनेशन में कैसे बच जाता? तुझे पता था एलएस अविनाश मेरे को वोट करेंगे? कैसे बच जाता? राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई सबसे पहले तो भाई बात करना चाहूंगा वो दिग्विजय वाली। देखो भाई, छोटा बड़ा भाई जब होता है ना, मान लो कि भाई मैं ईशांग भाई का बड़ा भाई हूँ, मान के लो हूँ, ठीक है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। अगर छोटे से कोई गलती हो गई है तो भाई मैं उसे डांट भी सकता हूँ और मैं उसे समझा भी सकता हूँ और उसकी गलती गिनवा भी सकता हूँ। बट वहां पे भाई रजत भाई, जब उन्होंने बोल दिया कि भाई विश्वास नहीं करता, तो रजत भाई ने उसको बोलना छोड़ दिया। बट भाई वहां पे वो ये चीज बोल रहा अंदर बैठ के कि वो मेरा प्लान था। वो प्लान नहीं था भाई, वो रजत भाई ने मेहनत करी थी और उनके सर पे, दिग्विजय के सर पे ताज रखा था कि ले भाई तू बन टाइम गॉड। अगर रजत भाई प्ले ना करते तो भाई कोई भी कंटेस्टेंट दिग्विजय को तो टाइम गॉड नहीं बनने देता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भाई ने बना दिया। भाई आप थैंकफुल नहीं हो उस चीज के कि भाई उस भाई ने आपके लिए मेहनत करी और बनाई है। वो वहां पे बोल रहा है कि मेरा दिमाग था, दिमाग नहीं था, रजत भाई ने भाई बनाया था टाइम गॉड। और अगर भाई छोटे बड़े भाई की बात होती है ना, तो रजत भाई को वहां पे इसी चीज पे एपिसोड के एंड में हमने देखा होगा गुस्सा आया कि भाई यार तू भाई मानता ही कब है, मानता ही नहीं है तू भाई। वरना अगर यही चीज किसी और कंटेस्टेंट के साथ होती तो इतनी सुनते रजत भाई किसी की, इतनी देर में तो भाई कलेश कहां से कहां पहुंच जाता। वो भाई मानते हैं, वो तभी कह रहे हैं कि भाई तू चले जा, मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। बट ये बंदा भाई जब रजत भाई ईशा से बात कर रहे हैं तब भी बीच में कूद गया कि भाई तू क्या कह रहा था वो टाइम गॉड। मतलब वो चाह रहा है, वो इंस्टिगेट करना चाह रहा है कि भाई मेरी रजत से लड़ाई हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहा है कि भाई मेरी रजत से लड़ाई हो, क्योंकि वो बाहर से देख के आया है, जिसकी भी रजत से लड़ाई होती है वो दिखता है। ठीक है, साफ सीधी बात है। तो मुझे ऐसा लगा और मुझे कहीं से कहीं तक भाई कोई भाईचारा नहीं दिख रहा। ठीक है, देखो पेरेंट्स का, घर वालों का यही होता है, बट भाई हम उनके छोटे भाई हैं और हमें बाहर से साफ साफ दिख रहा है कि भाई दिग्विजय नहीं निभा रहा भाईचारा और रजत भाई पूरा भाईचारा निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं। वरना वो ना इतनी किसी की सुनते कि जो वो बोल रहा है कि भाई मेरे पर चिल्ला क्यों रहा है और ये सब क्यों कर रहा है, ईशा से बात हो रही है और वो बीच में कूद रहा है, और रजत भाई बोल रहे हैं कि भाई मुझे बात नहीं करनी, मैं आराम से कर लूंगा जब बात में। फिर भी भाई वो लेने के चक्कर में भाई वो कोशिश कर रहा है कि भाई वो उस चीज में घुसे। तो भाई वो साफ साफ भाई बहुत, मतलब हमें तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है बाहर से भाई के लिए देख के कि भाई इतना बंदा मेहनत कर रहा है और आप ये सब कर रहे हो। कशिश ने जब ये चीज बोली थी कि आपको टाइम गॉड खैरात में मिली है, तो दिग्विजय का जवाब ये था, उसे दिमाग कहते हैं। मेरे भाई सारी मेहनत जो थी ना वो रजत भाई की थी तुझे टाइम गॉड बनाने में, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर तुझे वो कशिश की वर्डिंग अच्छी नहीं लगी थी तो ये भी बोल सकता था कि भाई अगर रजत भाई ने मेरे को जिताया तो इसमें क्या बड़ी बात है, बड़ा भाई है ना मेरा। हाँ। अगर वो बड़ा भाई मानता तो भाई ये चीज भी बोल सकता था, बट उसने इतने गंदे तरीके से ये जवाब दिया कि उसे दिमाग कहते हैं। मेरे भाई तेरा दिमाग तो बिल्कुल भी था ही नहीं, सारा का सारा रजत भाई का दिमाग था वो। और भाई बड़ा भाई तो भाई दो चांटे मार दे, दो गाली दे दे, तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली नहीं होती भाई। बड़ा भाई अगर इतना सब कुछ कर दे, वहां पे आप भाई मान ही नहीं रहे। अब मैंने उस दिन लास्ट व्लॉग में ही बोला था कि वो मुंह से भाई बोल रहा है, वो उसमें कोई ऐसे ट्रेट्स नहीं दिख रहे या फिर उसके अंदर दिल से नहीं दिख रहा कि भाई वो सच में भाई मान रहा है। तो भाई बिल्कुल भी भाई, मतलब कि हमारा जो ऑडियंस देख रही है और हम देख रहे हैं, हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा कि भाई वो भाई मान रहा है। चेतन भाई। यस सर। भाई मैं ना तुम पे भरोसा करता हूँ। बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है, मतलब तुम मेरा भाई है, है ना। और अगर मैं तुम्हें भाई तो मानता हूँ बट तुम पे भरोसा नहीं करता। चल ठीक है फिर। अरे भाई सुनो तो सही, मतलब मेरा कहने का मतलब समझो कि भाई मैं तुम्हें भाई तो मानता हूँ बट ये वाले भाई में ना भरोसा कम है, ऐसा होता है क्या? मैं समझ रहा हूँ, ये दो दिन से यही चीज मेरे भी आगे घूमी जा रही है बार बार रील में और बिग बॉस में ना, पर मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो टाइम गॉड है, बेशक खैरात का है, खैराती टाइम गॉड है जिसने बनाया है, उसके प्रति ही भाई को इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। पर ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। दिग्विजय की लॉयल्टी देख के ना मेरे को ये लग रहा है कि उससे ज्यादा लॉयल तो ये है मेरा। ये तो है ही, ये तो इतना प्यारा है। तो ये चीज खासकर मतलब वो लगी कि जब उनको भाई को टाइम गॉड बनना था तब तो रजत मेरा भाई है और ये है वो है सारी चीजें, टाइम गॉड बनने के बाद कि मुझे तो उस पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। अबे किस लिए ट्रस्ट नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा उसे ट्रस्ट किस लिए नहीं हो पा रहा, कॉफी के ऊपर। अबे भाई तूने देनी थी क्या वो कॉफी,
जिसकी थी उसको मिल गई, नहीं होती तो क्या, वो भी तो एक तरह से बेसिकली अगर उसको इतनी कॉफी रखनी थी तो अपने पास रखता ना जोर दिखाने के लिए। उसने जानबूझ के रजत को दी कि ये लोग जाएंगे रजत के चिपकेंगे, कलेश बनेगा, मैं तो यहाँ से बाहर हो गया कॉफी उसको पकड़ा के। तो ये तो बहुत स्टूपिड चीज लगी मेरे को। और खैर मेरे को तो क्या, ऑडियंस को भी दिख ही रहा है क्या कर रहा है उसने। और वो वाला पॉइंट देखा आपने कि भाई भाई बोल रहे हैं कि हाँ वो तो मुझे पता है कि तेरे को घुमाना आता है। मतलब भाई ये अगर किसी और से आती ना ये वाली चीज तो भाई ठीक लगती, बट ये चीज जब यहाँ से आई है ना तो भाई तो वही ना, मतलब जैसे अब रजत भाई के आते ही जब दिग्विजय आया भी था तो रजत भाई का, चाहे पिछले एपिसोड में जाके ना ये चीज देखना कि जब दिग्विजय आया था तो रजत भाई कितने खुश हुए थे, मतलब वो जेल में बैठे बैठे खुश हो रहे थे कि हाँ भाई मतलब दिल से खुशी हो रही है चीज भाई, उसको लगा कि भाई एक सपोर्ट सिस्टम आया है ठीक है, अब मतलब जो एक गुटबंदी हो रही है उसको अलग कर देंगे, पर वो तो खुद गुटबंदी का हिस्सा बन रहा है, करण की काटे जा रहा है बार बार, भाई क्या मिल रहा है तेरे को उधर से, जो बंदा तेरे लिए अपना 100% देने के लिए तैयार है तू उसको छोड़ के और लोगों के पास जा रहा है जो जिनके अब तक खुद के ही रिश्ते इस्टेब्लिश नहीं हुए, जैसे करण के और शिल्पा जी के रिश्ते अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं हुए, करण के किसी के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे, तो तेरे से बड़ा तो बेवकूफ ही नहीं है भाई कोई। और ये मैं नहीं, ये पूरी जनता कह रही है भाई, वो तो खैर चलो बाहर निकलेगा दिख जाएगा, अभी भी हमें दिख रहा है, पर ठीक है वेल डन भाई, अच्छी बात है, इससे ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था ही तेरे से कि तू ये काम करेगा और तूने कर ही दिया। जो भाईचारा रजत भाई ने अपनी तरफ से पहल की थी, हालांकि किसी से पहल नहीं करी रजत भाई ने घर में कभी कोई भी रिश्ता बनाने में या कुछ भी करने में, इनफैक्ट दिग्विजय कहीं कुछ गलत कर रहा होता तो रजत भाई बोलते भी नहीं कि नहीं भाई मेरा छोटा भाई है मैं नहीं बोलूंगा। और भाई जब लड़ाई भी कल जो बहसबाजी हुई भी है इतनी कहाँ सुनता है वो इंसान किसी की, हाँ भाई तो कहीं नहीं सुनता, तब भाई आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तभी तो रजत भाई का एक बार एकदम से चिल्ला के बोले कि तू भाई तो नहीं मानता, सारी दिक्कत तो उनको हो रही है, और उसको चिल्लाने से दिक्कत हो रही है और टोंड मार रहा है कि भाई तूने एक्टिंग सीख लिया क्या। हाँ, भाई अपने आप बंदा अगर छोटा भाई मानता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो मुझे चार चांटे मार दो गाली दे दो तो इसका मतलब क्या, मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे मैं चांटे मारे गाली देना तो अलग बात है, कुछ करे तो सही अगला, यहाँ तो छोटा भाई बिल्कुल डंडा कर रहा है एकदम और बड़ा भाई कुछ बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई जो ये अपनी जिंदगी इसने जिस टॉपिक के अराउंड बना लिया है, जब कशिश वो 10 लाख रुपए वाला सीन हुआ था, इसने अपनी पूरी जिंदगी उस टॉपिक के ऊपर बना लिया, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे वो बिग बॉस का इसका मुद्दा हो कैमरे पे दिखने के लिए और कुछ भी हो, ये हर जगह जहां भी जाता है ये सिर्फ वो 10 लाख का एक रोना लेके बैठता है। तो मतलब ही नोज कि जब कोई धोखा देता है या बिट्रे करता है तो कैसा फील होता है, ठीक है। अगर ये चीज उसकी लाइफ में इतना सीरियस इंपैक्ट डाल ली है, इस चीज ने उसकी लाइफ में इतना सीरियस इंपैक्ट डाल ला है, तो इससे तो ये चीज कभी भी आनी नहीं आनी चाहिए थी। हाँ। एक आदमी जिसको पता है कि धोखा खाना कैसा लगता है वो आदमी किसी दूसरे को तो नहीं दे सकता नहीं ना, तो ये तो वही हरकत कर रहा है। तो भाई साहब जो अभी तक आप खेल के आए हो जितने भी रियलिटी शो ना, वो 24 घंटे कैमरा वाले नहीं होते, यहाँ पे 24 घंटे कैमरा आपके ऊपर है, पूरी जनता आपको देख रही है। और भाई वो 10 लाख छोड़ के ना भाई, वो 10 लाख छोड़ के इसको बिग बॉस मिला है भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ जनता छोड़ दो, हम छोड़ दो, चलो हम तो बायस्ड है, हम तो रजत भाई के लिए बोलेंगे, जनता को भी छोड़ दो, चलो जनता भी बायस्ड है, बिग बॉस तक भी बोल रहा है भाई, अब तो समझ ला खोल ले दिमाग की घंटी, ये दिमाग के द्वार खोल लो अपने, बिग बॉस तक भी इसको जगाने की कोशिश कर रहा है पर ये समझ ही नहीं रहा है बात, कोई बात नहीं भाई। इसको ये सीन था घुसते ही के रजत तो मेरे पीछे पीछे घूम ही रहा है, मैं रजत तो मेरा है ही तो मैं और जनों से भी अपनी बना के चलता हूं, तो मेरी एक अलायंस बन जाएगी, और वो चीज इसकी बहुत गंदी तरह टूट चुकी है, क्योंकि हर आदमी के सबर का एक बान होता है हर आदमी के, और वो तो रजत दलाल है, वो स्टिल तेरे पीछे घूम रहा है, तेरे को छोटा भाई मान रहा है, बिल्कुल घर परिवार जैसा, यार सलमान खान के आगे ये बात बोलना कि जाट जाट मेरा भाई भाई है, हाँ। कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है वो सलमान खान की गलतियों पे भाई पर्दे डालना, हाँ। जो भी गलती कर रहा है वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, और वो सलमान खान के आगे तो छोड़ो, वो खुद दूसरों के पीछे बैक बिचिंग करता हुआ घूम रहा है, रील डाल दिया भाई देख लेना सारे, बाकी भाई चलो कोई बात नहीं। आई होप कि ये जो आपका टाइम गॉड का पूरा वो चल रहा है कार्यकाल, खैरात वाला ही सही, पर जो खैराती टाइम गॉड का आपका वो चल रहा है कार्यकाल, उसमें आप एक दो तो ढंग की चीज करो, अब घर ही से संभल ले रहा रजत भाई, अगर अपना हाथ हटा लेना कोई कौन है कौन नहीं हो, देख ही रहे होगे सबके कैसे नचा रहे हैं लोग, अभी से बनेंगे टाइम गॉड बनेंगे। सिम्बा सो गए बाकी भाई देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है, आज थोड़ा फन वगैरह हुआ है, आज भूत बनी है तो आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा फनी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलेगा, देखते हैं आज भाई क्या हुआ है और दिग्विजय के साथ क्या कन्वर्सेशन हुई है भाई की, तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है। बाकी सारे भाई व्लॉग देखते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो और तगड़े होने पर ध्यान दो।